हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिलोय की बेल के बारे में। गिलोय की बेल दोस्तों एक, मैं बता दूं आपको, एक इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट है। ये आपको कहीं पे भी मिल जाता है। देखिए गिलोय की बेल है जो ये नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई है। देखिए कितनी बड़ी, एक तरीके से क्रीपर बोल सकते हैं, वाइन बोल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है, एक तरीके से नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये गिलोय, नेचुरल बिल्कुल। आपको दोस्तों आप इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आप अभी तो कोरोना वायरस भी है तो आप इसका लिक्विड भी पी सकते हैं आप इसको उबाल के, और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। आप इसको नॉर्मल भी पी सकते हैं। ये देखिए ये नीचे से फैली हुई है पूरे में। ये छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर भी चढ़ गई है। ये प्लांट्स के ऊपर कैसे इसमें बल चढ़ गए हैं, कैसे ये पूरे में ही फैल चुकी है। दोस्तों बहुत अच्छी दोस्तों ये, इसका बहुत फ़ायदे होते हैं इस बेल के। आप इसको घर में भी लगा सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। अब देखिए इसकी ये रूट्स, देखिए आप जो इसकी ये वाइट वाइट सी रूट्स आ रखी है ना, ये ऊपर से काट दी गई थी तो इसकी रूट्स अपने आप ही डेवलप हो गए, नीचे ज़मीन तक आ गई हैं, तो इस ज़मीन से वाटर ले लेती हैं अब। और दोस्तों ये नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई है तो नीम के भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट्स आ गए हैं इसके अंदर, और भी ज़्यादा ये अच्छी हो गई है। ये देखिए ये इसकी रूट्स हैं ऊपर से जो लटकी हुई है, ये इसकी ब्रांचेस कितनी मोटी मोटी हैं ये देखिए आप, ये चार पांच हैं ये मोटी मोटी सी। ये बिल्कुल जूसी टाइप की होती है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है। अब अगर आप इन्हें काट के पीसेंगे तो पता चल जाएगा आपको, जगह जगह से ग्रोथ करने लग जाती है, हर जगह से ही मोस्टली। काफ़ी जो पुरानी हो जाती है वो थोड़ी थिक हो जाती है। ये देखिए ये ऊपर से लटकी हुई है, नीचे से भी इसमें कुछ चढ़ रही है। कितनी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं इसकी देखिए आप, ये देखिए। देखो ये कटिंग थी, मैंने वेस्ट थी एक तरीके से, तो मैंने ये फेंक दी थी पिछले साल यहाँ पे। ये लकड़ियाँ गिरी हुई हैं थोड़ी सर्दियों के लिए, तो ये यहाँ पे भी ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो गई है। इसको लगाना बहुत ही आसान है, आप कहीं से भी इसका पीस एक ले लें और उनको सीधा डायरेक्ट कैसी भी मिट्टी में सोइल में आप उसको पुट कर दें, बस इजीली ग्रो हो जाएगी वो। इसमें कोई फर्टिलाइज़र कोई कुछ नहीं डालना होता इसमें दोस्तों, बड़े ही ईजीली लग जाती है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। नाम ही है दोस्तों इसका इम्यूनिटी बूस्टर एक तरीके से, ग्लोए। ये देखिए पूरे पे ये चढ़ गई है यहाँ पे लकड़ियों पे, कितनी ज़्यादा ग्रीन है ये। और देखिए इसको, ये देखिए दोस्तों ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, ये ग्रोथ हो गई है। देखो इसकी स्टार्ट बस यही है, इसका इजीली बिल्कुल ही छोटी सी कटिंग लगा दें आप, उसमें से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों इसकी। कोई इसमें काफ़ी बड़ा इसमें वो नहीं है कि इसका टेक्निक, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल छोटी सी कटिंग लगाइए, ग्रोथ स्टार्ट। देखिए स्प्राउट छोटा सा निकल गया ये भी, कि कभी ख़राब नहीं होती, 6-7-1 साल तक भी पड़ी रहेगी तो भी स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दें।